तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप लोग के रिक्वेस्ट पे ये मैं वीडियो बनाया हूँ। बहुत से लोगों का रिक्वेस्ट था कि आप बटर क्रीम बना के दिखाइए। अल्फ़ा कंपनी का ये वाला बटर यूज कर रहा हूँ जो कि हम लोग केक में, ठीक है। वैसे गोल्डन स्प्रिट का भी रहता है, वो ज़्यादा सही रहता है जो यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी हमारे पास ये वाला है तो मैं इसी का बना दे रहा हूँ, क्योंकि लगभग सबका सेम ही बनता है। तो ये मार्जरीन बोलते हैं इसको, ठीक है। डालडा बोले तो केक डालडा भी बोल सकते हो, मार्जरीन भी बोल सकते हो। जहाँ से बेकरी का सामान मिलता है वहाँ से मिल जाएगा। जो बेकरी का सामान रखता हो उसको बोलिए बटर क्रीम का हमें डालडा चाहिए तो दे देगा, ठीक है। तो इसको हमें 5 केजी का बनाएंगे हम, ठीक है। 5 केजी का बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये देखो मेरा कट भी हुआ तो लगभग उतना ही आइडिया लगभग ठीक रहा। और बाकी का जो है इसको हम रख देंगे, ठीक है। और ये वाला मैं इस कटिंग करके थोड़ी देर फ्रीज में रख दिया था, ठीक है। फ्रीज में रखने से टाइट होगा, टाइट रहने से क्या होगा, बहुत अच्छा बनेगा। आप डायरेक्ट आप ऐसे मेल्ट करके डालोगे तो फिर इसमें दाना दाना रहेगा, और टाइट वाला जो रहेगा ना अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगा। तो ये मैं डीप फ्रीज में डाल दिया, टाइट हो गया, इसलिए हमें चाकू से पूरा कट करना पड़ेगा और छोटा छोटा, क्योंकि मशीन में देखो ऐसे घुमाएंगे तो घूमेगा नहीं, मशीन तोड़ देगा। और ये मेरा बड़ा वाला मशीन है, जो छोटा बीटर से तो कम में बनाइए, थोड़ा करके उससे भी बन जाएगा। तो इसको पहले छोटा छोटा कर देंगे और फिर धीरे धीरे पूरा मशीन स्टार्ट करके बंद चालू करके करना पड़ेगा। चलो ये मेरा मेल्ट हो गया अब, लेकिन साइड से इसमें चिपक जाता है बार बार, ठीक है। तो साइड से हमें इसको बीच में करते रहना पड़ेगा, मशीन स्टार्ट करके ही मैं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी अगर कोई दूसरा ऐसे नहीं तो फिर बंद करके ऐसे हाथ से साइड का, इतना एक बटर क्रीम में है थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, ठीक। साइड में जितना जो चिपकता है वो बार बार हमें बीच में करना पड़ेगा, या तो आप चाकू से करें या फिर हाथ से करें, जैसे भी, लेकिन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा अच्छे से मिक्स हो चुका है लगभग, क्योंकि मैं ये पूरा मिक्सिंग नहीं दिखाया हूँ। पूरा दिखाने से क्या, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कम से कम 30-35 मिनट लग जाता है ये क्रीम बनाने में, ठीक है, जो कि बटर क्रीम वाला रहता है। और नॉर्मल कूल क्रीम तो हमारा 10 मिनट या 5 मिनट या 2 मिनट में बन जाता है बड़ा मशीन में स्पीड रहने से। और इसको थोड़ा अच्छे से पूरा मेल्ट करना पड़ता है, देखिए पूरा फिनिशिंग आ चुका है इसमें भी। और फिर इसको हाथ से दबा करके देखना पड़ेगा पूरा अच्छे से, जब मेल्ट हो जाए एक भी दाना वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा। बस इसमें कुछ नहीं है, डालडा डाल करके पूरा घुमाते रहिए। अभी मैं इसको हाथ में लेकर के आपको दिखाएंगे कि कैसा है। उसके बाद इसमें आइसिंग शुगर डालना पड़ेगा, जो कि वो भी हम बताएंगे कितना डालना है। आप देख सकते हो 5 केजी है तो 2 केजी एक्स्ट्रा ही आइसिंग शुगर डालना पड़ेगा। ये अब वाला है 7 केजी, अगर 5 केजी डाल डाली हो तो 7 केजी में डालना पड़ेगा। आप देख सकते हो ये पूरा फिनिशिंग हो चुका है, दाना दाना नहीं आ रहा। हाथ में मैं लेकर के आपको दिखा दिया हूँ, देखो ऐसा फिनिशिंग पूरा हो जाने के बाद में आप शुगर डाल सकते हो, आइसिंग शुगर जो रहता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ेगा, ठीक है। एक बार भी नहीं, एक बार डालने से क्या पूरा दाना दाना हो जाएगा, तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा। और उसमें मिक्स होने दीजिए, फिर थोड़ा सा डालिए, फिर मिक्स होने दीजिए, थोड़ा डालिए। और इसी बटर क्रीम से मैं आप लोग को केक भी बना करके दिखाऊंगा, और वो भी मैं दिखाऊंगा कितना मस्त फिनिशिंग बना है। कोई भी नहीं बोल सकता वो केक जो मैं बनाऊँ वो बटर क्रीम का है, डिज़ाइन से बोल सकता है बट फिनिशिंग इतना अच्छा आता है ना, जो कोई भी देखेगा तो बोलेगा रिच क्रीम का केक है। तो इसमें 7 केजी का आइसिंग शुगर डालना था, लेकिन स्लो, ठीक है। फिर एक बार में ऐसा नहीं कि पूरा पैकेट डाल दिया और चलाने लग दिए, ऐसा नहीं। वैसा रहने से क्या दाना दाना हो जाएगा आपका। और थोड़ा मिक्स कीजिए फिर डालिए, मिक्स कीजिए डालिए, तो एक नंबर रहेगा। और अगर आप लोगों को फिर भी इसमें कुछ डाउट रहता है, फिर कुछ पूछना है, क्या कुछ भी अगर आप लोगों को लगता है ये चीज़ नहीं किया फिर कुछ भी, तो आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सुनील केक मास्टर के नाम से है मेरा इंस्टा आईडी, आप वहाँ पे मैसेज करके हमें कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, आपको वहाँ पे 100% रिप्लाई मिल जाएगा गारंटी। लेकिन जो आपको प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम लिखो तब, ठीक है। और प्लस थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये शुगर थोड़ा ज़्यादा डाल दिया इसलिए बाहर फेंकने लग गया, उड़ने लग गया पूरा इसका, ठीक है। तो कोई नहीं, फिर भी मेरा अच्छे से मिक्स हो गया। और इसको फिर भी मिक्स करना है जब तक ये हमारा वाइट ना हो जाए, ठीक है। वीडियो में तो मैं पूरा टाइम तक नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ ट्रिक। पूरा वाइटनेस में आ जाएगा इसका मतलब कंप्लीट। और हाथ पे लेकर के देखिए कि हाथ में मेरा दाना दाना नहीं आ रहा है, क्योंकि दाना दाना नहीं आता है, ठीक है। और साइड से कुछ मतलब इसमें बार बार, क्योंकि बटर रहता ना साइड में चिपक जाता है, साइड से ऐसे ही आप चाहो तो कोई नाइफ से, और नहीं तो बंद करके, लेकिन करना भाई ये ऐसा मैं जो कर रहा हूँ स्टार्टिंग में ऐसा मत करना, क्योंकि जाली में अगर हाथ फंस गया ना तो आपका गया, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में आप लोग रखिएगा, ये स्टार्टिंग में मत करना। मैं तो मशीन ऑन है फिर भी कर रहा हूँ, क्योंकि आइडिया है तो कर ले रहा हूँ। और प्लस इसमें ऑयल डालना है, ऑयल गर्मी के टाइम पे ज़रूरत नहीं रहता है, ठीक है, ठंड के टाइम में ज़रूरत रहता है। ये मैं नहीं बोल रहा इसमें ऑयल कितना डालना है, आपका बटर क्रीम के हिसाब से आप डालो, थोड़ा भी ज़्यादा भी, ठीक है। तो ये हो गया था मेरा क्रीम कंप्लीट। उस टाइम पे मैं दिखा वो निकालते टाइम पे दिखाया नहीं, लेकिन आप देख सकते हो ये वाला क्रीम था जो मैं बनाया था।
और इसमें रिफाइन ऑयल यूज करते हैं थोड़ा, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे कच्चा। अगर जैसे आपका और थोड़ा फिनिशिंग करना है या फिर ढीला करना है तो रिफाइन ऑयल डाल करके गीला करना होगा। ये मैं इसमें कलर मिला करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, येलो कलर है जो कि इसमें डाल रहा हूँ लिक्विड कलर, और जो मैं केक बनाऊँगा वो भी येलो कलर का बनाऊँगा, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाना कि बटर क्रीम का केक, आइसक्रीम तो बना दिया लेकिन केक कैसे बनाना है वो भी दिखा देना। तो चलिए आप देख सकते हो कितना मस्त फिनिशिंग हो जाता है। चलिए तो फिर इसका केक कटिंग कर लेंगे। 1 kg का हमें बनाना था तो 1 kg का मोड ले चुका हूँ, और फिर इसका इसमें लेकिन बटर क्रीम का जो भी नॉर्मल केक रहता है ना, लेयर वगैरह कुछ डालते नहीं हम लोग इसमें, बस ऐसे ही डायरेक्ट रहता है, अंदर क्रीम नहीं रहेगा, खाली बाहर बाहर से। और लेकिन हाँ, जो भी मोटा वगैरह जो स्पंज रहता है आप देख सकते हैं, ये जो मोटा है इसको साइड से हमें निकालना होगा, क्योंकि फिर नहीं तो टाइट बहुत ज़्यादा होता है केक, क्योंकि हम लोग ओवन में बनाते हैं ना तो साइड का पूरा सूख जाता है, तो इसके लिए हम लोग साइड से निकालना पड़ता है और बीच का स्ट्रिप रखते हैं तो क्या पूरा स्मूथ रहता है। नीचे लगा दिया ताकि बेस से गिरेगा नहीं क्योंकि सूखा हुआ है इसलिए। तो ये आप देख सकते हो येलो कलर है। अब प्लस इतना एक चीज़ और मेरे से मिस्टेक हो गया था, ये वाला कलर इतना डार्क नहीं था, ठीक है, लेकिन थोड़ा डाल के और कलर थोड़ा टाइम पे क्रीम में छोड़ दिया इसलिए और डार्क हो गया। इतना डार्क करना नहीं है, अगर आप लोग बनाओगे तो लाइट कलर में ही बनाइएगा, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं। ये थोड़ा मेरा ज़्यादा हो गया, मेरे को समझ में भी आ गया बाद में कि कलर थोड़ा ज़्यादा हो गया। ज़्यादा क्यों हो गया, कलर डालने के बाद में थोड़ा टाइम क्रीम छोड़ दिया तो डार्क हो जाता है कलर क्रीम छोड़ देने से, ठीक है, बटर क्रीम में, इसीलिए। अब वैसे इतना भी नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा लाइट बनाओ, फिर वो केक और भी अच्छा लगेगा देखने में। तो चलिए इसका भी मैं साइड से पूरा फिनिशिंग कर देंगे वैसे ही जैसा मैं रिच क्रीम का करता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो ये भी बटर क्रीम का है लेकिन फिनिशिंग इसका भी ज़बरदस्त आया है, और करूँगा भी वैसे, ठीक है, सेम एकदम रिच क्रीम जैसा लगेगा, कोई नहीं बोलेगा कि हाँ ये बटर क्रीम का केक है। और इसका मैं जो डिज़ाइन देते हैं बटर क्रीम का, ज़्यादातर लोग बटर पेपर से ही देख सकते हो ऐसे कट करना है साइड से, एक साइड से फिर एक साइड से वी टाइप में ऐसे, फिर आपका जाली मस्त निकलेगा। आप देख सकते हो नीचे में निकाल के दिखा दिया ना, और इसमें येलो कलर और एक साइड से रेड कलर डाला हूँ, मतलब पहले आप रेड या येलो कोई सा एक कलर नीचे रख दीजिए फिर उसके ऊपर से ही कोन में भर के कोई कलर डाल दीजिए, फिर आ जाएगा मस्त ऐसा ही सेम कलर, आप देख सकते हैं, ठीक है, साइड से हो गया। अब नीचे से भी सेम बटर क्रीम का केक रहता है ना तो पूरा क्रीम का ही डिज़ाइन रहता है इसमें, तो आप चाहे तो जेल वगैरह भी डाल सकते हैं लेकिन हम लोग का ऐसे काउंटर में नहीं रहता है, बस ऊपर में मैं नोजल डाल दे रहा हूँ। अब ऐसे तो अब ज़्यादातर बटर क्रीम का केक कहीं बनता नहीं है लेकिन हमारे पास यहाँ था, बनाए थे तो बहुत एक कुछ लोगों ने, बहुत तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ कुछ लोग बोले कि हमें रेसिपी देखना, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर बना रहा तो मैं आप लोग का भी रिक्वेस्ट भी बना देता हूँ, वीडियो बनाने में क्या जाता है, डेली का तो हम लोग का काम है ये करने का, तो हम टोटल काम हम लोग को करना पड़ता है, ठीक है, फोंडेंट का भी, कूल क्रीम का भी, बटर क्रीम का भी, सब कुछ जितना है टोटल काम आता है और करते हैं, ठीक है। और फ्लावर आप देख सकते हो इसका बटर क्रीम का ही कितना मस्त बन रहा है ना, कूल क्रीम का भी ऐसा बनता है, ये बटर क्रीम का ही हमारा फ्लावर है, तो दो फ्लावर इसमें बना करके डालेंगे, स्टैंड फ्लावर जो है, और अगर इसमें आपको रोजेस बनाना है गुलाब वगैरह जैसा तो इसमें थोड़ा टाइट करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ और, बटर क्रीम को भी अगर आप लोग को टाइट करना होगा थोड़ा, मान लो लूज है, अब चाहो कि थोड़ा टाइट करके हम फ्लावर वगैरह कुछ बनाए कैसे करेंगे, तो थोड़ा जो कॉर्नफ्लोर पाउडर रहता है ना उसको क्रीम में अगर मिक्स करके डाले तो टाइट हो जाता है, ठीक है, तो उसमें से क्या फ्लावर बना सकते टाइट रहने से, क्योंकि बटर क्रीम लूज रहता है ना वो किधर भी गिर जाता है, तो वैसा सिस्टम नहीं रहेगा। और ये साइड से ग्रीन कलर जो कि बटर पेपर का, सॉरी बटर क्रीम का ही था, बार बार बटर पेपर आ जाता है क्योंकि हम लोग यूज करते हैं इसलिए, ठीक है। तो ये भी केक हो गया कंप्लीट, देख सकते हैं बटर क्रीम का रेसिपी भी आपको हम बना करके दिखा दिए कैसा था, और केक भी आप देख सकते हो उसी क्रीम से बनाए हैं कितना मस्त बन गया, आप लोग के सब कुछ सामने, ठीक है, कलर वगैरह जो भी मिक्स किया टोटल। तो कैसा था आपको बटर क्रीम का रेसिपी और ये केक, आप कमेंट में बताएँ जरूर।